गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो बच्चों आप सब लोग? वेलकम टू किड्स आर अस। तो बच्चों आपको पता है आज हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं? आज का हमारा सब्जेक्ट है गुजराती। उसमें हम आप आज सीखने वाले हैं रु और एक ही मात्रा। तो आपको पता है रु से क्या होता है? रु से रूसी। तो रु करने के लिए हमें सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन बनानी पड़ेगी, फिर एक स्लैंट लाइन, दूसरी स्लैंट लाइन, इधर कर्व करो और ये दूसरा कर्व, ये बन गया हमारा रू। फिर इस उसके बाजू वाले बॉक्स में एक स्टैंडिंग लाइन बनाओ, एक स्लैंट लाइन, दूसरी स्लैंट लाइन, ऐसे कर्व बनाओ और ऐसे कर्व, ये बन गया हमारा रू से रूसी। फिर उधर यहाँ पे हमें किसकी मात्रा बनानी है? एक की। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक स्टैंडिंग लाइन कर्व करो, दूसरा कर्व करो और स्लिपिंग लाइन, ये बन गया। फिर इधर ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करके एक स्टैंडिंग लाइन बनाओ और ऊपर मात्रा बनाओ, ये बन गया ए। तो बच्चों इधर आपको क्या करना पड़ेगा? पूरे पेज में जितनी भी लाइन है ना, उनमें से एक एक लाइन स्किप करके आपको क्या करना है? किसकी मात्रा लिखनी है? रू की। एक एक लाइन स्किप करके रू की मात्रा, और इधर किसकी मात्रा लिखनी है? एक की मात्रा लिखनी है। चलो दूसरे पेज पे। तो बालको अहीं आपणे आजे शुं भणीशुं? गुजरातीमां के थी लईने श्रे सुधीनी मात्रा। तो कने एक मात्रा के, खने एक मात्रा खे, गणपतिना घने एक मात्रा घे, मोटा घरनो घने एक मात्रा घे, चने एक मात्रा चे, छत्रीनो छ एने एक मात्रा छे, जने एक मात्रा जे, मोटो ज जबलानो ज एने एक मात्रा जे, टपालीनो ट टने एक मात्रा टे, ठने एक मात्रा ठे, डने एक मात्रा डे, धने एक मात्रा ढे, अणने एक मात्रा णे, तपेलीनो त तने एक मात्रा ते, थड़नो थ थने एक मात्रा थे, दने एक मात्रा दे, धने एक मात्रा धे, नने एक मात्रा ने, पने एक मात्रा पे, फने एक मात्रा फे, बकरीनो ब बने एक मात्रा बे, भने एक मात्रा भे, मने एक मात्रा मे, यंतीनो य यने एक मात्रा ये, रने एक मात्रा रे, लने एक मात्रा ले, वने एक मात्रा वे, शणायनो श शने एक मात्रा शे, षष्कोणनो श एने एक मात्रा शे, ससलानो स सने एक मात्रा से, हरणनो ह हने एक मात्रा हे, अळने एक मात्रा अळे, क्षने एक मात्रा क्षे, त्रने एक मात्रा त्रे, ज्ञने एक मात्रा ज्ञे। तो बाळको आजे आपणे केथी लईने श्रे सुधी भण्या। तो पीडब्ल्यू में आपको क्या करना है? ये कैसे लेके श्रे तक पूरा रीड करना है, और आपकी नोटबुक में आपको टू टाइम्स लिखना है। लिखोगे ना बच्चों? थैंक यू।